Sir, I was wondering how all these tablets or capsules that we take gets dissolved easily inside the stomach, and how come these syrups are so tasty? Like, what's the magical thing inside them? Well, Harry, I think you are having lots of doubt in your mind. Don't worry, all doubts of yours will be cleared in today's class. So hello and good morning, everyone. Today's topic that we are dealing with is pharmaceutical excipients. Excipients? अब ये क्या चीज है? The magical thing you wanted to know is this excipients. बेटा हैरी, बस ऐसा समझो कि excipients और drugs दोनों best friends हैं. जैसे excipients के बिना drug का कोई use नहीं, वैसे ही drug के बिना excipients का कोई मतलब ही नहीं है. Oh, I see. But कैसे सर? मेरे previous class जो कि pharmaceutical dosage form था, उसमें मैंने बताया था कि जिस तरह खाना बेस्वाद लगता है बिना मसाले के, वैसे ही तुम्हारा कोई भी डोसेज फॉर्म या फिर ड्रग वेस्ट है बिना एक्सिपिएंट के. अगर हम सभी को किसी चीज़ में वैरायटी मिल जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है ना? क्योंकि वहाँ पे तब हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं और तब हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हैं, राइट? वेल, गेस व्हाट, एक्सिपिएंट्स में भी वाइड वैरायटीज अवेलेबल हैं और ये वैरायटीज अवेलेबल है बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज एंड देयर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज. एक्सिपिएंट्स में वैरायटी तो है, बट सभी लोग रिमेंबर वन थिंग, हम कोई भी एक्सिपिएंट किसी भी डोसेज फॉर्म या फिर ड्रग के लिए यूज नहीं कर सकते. चूजिंग रॉन्ग एक्सिपिएंट फॉर अ डोसेज फॉर्म कैन डिस्ट्रॉय द होल डोसेज फॉर्म. ओके हैरी, आज हम इमल्शन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? ऑल राइट सर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रिपेयर. ओके देन, लेट्स सी, आई थिंक वी हैव गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स. नो वेट, क्या हुआ सर? अरे हमारे पास तो सर्फैक्टेंट मिसिंग है. अरे सर, सिर्फ सर्फैक्टेंट ही तो मिसिंग है, उससे क्या हुआ? बाकी सब तो है, बाकी सब से बन जाएगा. यू इडियट, सर्फैक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट है इमल्शन प्रिपेयर करने के लिए. उसके बिना हम प्रॉपर एंड स्टेबल इमल्शन नहीं बना पाएंगे. ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर्फैक्टेंट्स टू इमिसिबल लिक्विड को एक साथ स्टेबल रखता है बाय रिड्यूसिंग देयर इंटरफेशियल टेंशन. इसलिए हमें सर्फैक्टेंट की जरूरत है. ओ आई सी, अब क्या करें सर? अच्छा तो तुम अभी केमिकल शॉप में जाओ और सर्फैक्टेंट खरीद के ले आओ. एक्सीपिएंट्स ले लो, ताजा ताजा इम्पोर्टेड एक्सीपिएंट्स ले लो. और भाई, एक्सीपिएंट्स कैसे दिए? सर जी, हर तरह के एक्सीपिएंट्स अवेलेबल है, ताजा ताजा और इम्पोर्टेड. आप बताओ आपको कैसा एक्सीपिएंट्स चाहिए? हाँ तो मैं एक इमल्शन बना रहा हूँ, सो मुझे एक ऐसा सर्फेक्टेंट दिखाओ जो इमल्शन को स्टेबल रख सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और हाँ सस्ता हो. हाँ तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास ये है. गम अकेशिया? त्रगाकान नहीं है क्या? त्रगाकान महंगा है सर जी, ये लेकर जाओ, ये त्रगाकान का छोटा भाई समझो, सेम काम करेगा. अच्छा ठीक है, 100 ग्राम पैक कर दो और बताओ कितना हुआ. सर जी 300 रुपए. बीसी 300? ज्यादा लूट मचा कर रखा है क्या? 150 से ज्यादा नहीं दूंगा. क्या सर जी, क्यों गरीब के पेट में लात मार रहे हो? चलो ना आपका ना मेरा, 250 में डन करो फाइनल. नहीं 200 में डन करो. अच्छा ठीक है, ले लो अपना सर्फैक्टेंट. सर ये लो, आपका सर्फैक्टेंट ले आया. सर गम अकेशिया चलेगा ना? हाँ ठीक है, काम बन जाएगा. फाइनली इमल्शन रेडी हो गया थैंक्स टू दिस सर्फैक्टेंट. अब समझ में आया एक्सीपिएंस का इम्पोर्टेंस हैरी? यस सर, एकदम समझ में आ गया. So in later classes, we will see them in detail. So that is it for today's class. Let's meet in my new class with new pharmaceutics topic. आज का क्लास यही खत्म होता है. I hope तुम सभी को आज का क्लास समझ में आया होगा. If you all enjoyed my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get further notifications. Do like and share my videos with others. To all my viewers और सभी मेरे भाई लोग, मंगलू सर कितने प्यार से बोल रहे हैं. So please सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दो
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।